Assalamu alaikum, beautiful people. So as you can see, today I'm going to review a sheet mask. And we all know that sheet masks are very important for our face and our skin. Ke liye bahut hi zyada important hote hain. And inki ek apni quality aur apni ek ek itni inke andar power hoti hai ki ye hamare face ko jo hamare face ki thakkan kamzori aur jo hamare face ki स्किन टोन ख़राब हो रहा होता है या फिर हमारे फेस जो है वो डल लग रहा होता है तो ये उसको इंस्टेंटली ग्लो एंड एक प्लम्प सी लुक्स दे देते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड वी शुड अडॉप्ट इट, क्योंकि जो शीट मास्क होते हैं ये ना सिर्फ हमारी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करते हैं बल्कि ये थोड़े ही टाइम में हमारी स्किन को बहुत अच्छा नेचुरली उसको रिलैक्सेशन देते हैं. उसके साथ साथ ये हमारे स्किन टोन को अच्छा करते हैं, हमारे जो ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट इसको हमारी स्किन को ये प्रोवाइड करते हैं. उसके अलावा ये हमारी स्किन के लिए इस तरह के इसको लगा के आप लोग ब्यूटी स्लीप ले सकते हैं कुछ टाइम के लिए. फॉर 15 to 20 मिनट्स यू कैन हैव इट ऑन योर फेस. एंड शीट मास्क के साथ साथ आपको फेस की एक एक्सरसाइज भी हो सकती है, लाइक इफ़ यू आर अप्लाइंग इट ऑन योर फेस तो इसके साथ आपके पास अगर रोलर है या फिर अपने हैंड्स के साथ आप हल्का हल्का सा अपने स्किन को हल्का हल्का सा टैप करेंगे एंड या फिर हल्का हल्का सा उसको ना मसाज करेंगे इन अ सर्कुलर मोशन, तो वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि हमारी स्किन उससे फ्रेश फील करेगी. दूसरा, जो शीट मास्क होते हैं ये हमारी स्किन के लिए इसलिए भी अच्छे होते हैं क्योंकि ये हमारी स्किन को टाइटन अप करने में भी हेल्प करते हैं और जो हमारी स्किन के ओपन पोर्स होते हैं कभी कभी ये उनको भी इनलार्ज ओपन पोर्स उनको भी श्रिंक करने में हेल्प करते हैं. शीट मास्क कैन ब्राइटन योर डल कम्प्लेक्शन एंड इसके जो स्किन फ्रेंडली इन्ग्रीडियंट्स होते हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसके लिए हेल्पफुल होते हैं. सो दैट वी कैन गेट अ ग्लोइंग स्किन विद इन नो टाइम. एंड ऑल्सो इसमें ये बूस्ट अप करते हैं आपकी स्किन के कॉन्ट्रैक्शन को, जिससे आपके जो कम्प्लेक्शन है और जो आपकी स्किन का टेक्स्चर है वो एकदम ग्लो करने लग जाता है. और बहुत से ऐसे शीट मास्क हैं जो आपकी स्किन को दे बूस्ट अप योर इम्यूनिटी ऑफ योर स्किन एंड ऑफ योर फेस. ये दे गिव यू इंस्टेंट ग्लो विद इन नो टाइम एंड दे मेक यू लुक मोर ब्यूटिफुल. तो आइए चलते हैं इस शीट मास्क की तरफ जो मेरे पास है. दिस इज़ फ्रॉम रिवाज यूके एंड इट्स ब्राइटनिंग सीरम शीट मास्क विद रोज एक्सट्रैक्ट. इसकी थोड़ी हालत ख़राब है क्योंकि मैंने इसको बहुत ही इस तरह करके रोल करके रखा हुआ था. एंड बट ये शीट मास्क जो है इसको उन्होंने लिखा है कि 15 मिनट के लिए यू हैव टू अप्लाई इट ऑन योर फेस, बट यू कैन अप्लाई इट ऑन योर फेस फॉर 20 मिनट्स एज वेल. एंड इसको अप्लाई करने के बाद आप लोग अच्छे से रिलैक्स होके बैठें. हाउ टू अप्लाई, लाइक अप्लाई करें फेस पे और थोड़ा सा रिलैक्स करें. उसके बाद ये शीट मास्क दे हैव रिटन दैट यू हैव टू यूज़ इट फॉर 15 मिनट, लेकिन आप इसको 20 मिनट तक भी अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि शीट मास्क में हमारे बहुत ही स्किन फ्रेंडली इंग्रेडिएंट होते हैं जो हमारी स्किन को ब्राइटन करते हैं, उसको शाइन कराने में हेल्प करते हैं. दूसरा, उसको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारी स्किन जो है बहुत ही इंस्टेंट ग्लो और फौरन से ब्राइटर हो जाती है. एंड यू कैन सी द डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर अप्लाइंग दिस शीट मास्क ऑन योर स्किन. एक्चुअली ये रोज़ एक्सट्रैक्ट है तो ये बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा सेफ है स्किन के लिए और भी ज़्यादा ग्लोइंग इफेक्ट देती है और उसको और ज़्यादा फ्रेश फील करवाने में हेल्प करती है. इट्स प्रोफेशनल फार्मूला विद द वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग सीरम फॉर डीप क्लिनजिंग एंड एक्सफोलिएटिंग एनी काइंड ऑफ स्किन. सो ये शीट मास्क अब जब हम अप्लाई करेंगे अपने फेस पे तो इट गिव्स यू इंस्टेंट ग्लो ऑन योर फेस, इट मेक्स यू लुक यंगर, ब्यूटीफुल, ब्राइटर. एंड दूसरा ये कि जब हम शीट मास्क को लगा के हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए ट्राई करें कि आप लेट जाएं ना किसी जगह, तो उससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो है यू विल फील रिलैक्स
आराम से आइज़ बंद कर लें, या अगर आपने सोना है तो ब्यूटी स्लीप ले लें, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन में मसाज करते हैं, नहीं तो ऐसे ऐसे हल्का हल्का टैप करें स्किन के ऊपर जहाँ जहाँ लगे। जब हम मास्क निकालेंगे, एक सेकेंड, इसमें इसकी एक तो उन्होंने बताया हुआ है कि इट कॉन्टेन्स, व्हाट इट कॉन्टेन्स, वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग सीरम दैट हेल्प्स बैलेंस स्किन टोन, लाइटन ओवरवर्क एंड ओवर टाइट स्किन। अगर आपकी स्किन, यू आर फीलिंग टायर्ड आफ्टर अ पार्टी, आफ्टर अ वर्किंग डे, या फिर आप बहुत ही यू हैड अ टायरिंग डे, तो उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड यू कैन यूज़ इट इन द मॉर्निंग सो दैट आप एक फ्रेश स्टार्ट कर सकें। एंड आप ब्राइट एंड डल स्पॉट्स, दीज शीट मास्क आर ग्रेट टू मेक अ पार्ट ऑफ योर रूटीन मोर देन वंस अ वीक टू हेल्प रिस्टोर द हेल्दी टोन एंड लस्टर ऑफ योर यंगर डेज। अब अगर हम शीट मास्क को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस शीट मास्क, तो इसका इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। लाइक अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन में एक प्लम, यू विल फील अ प्लम्पी स्किन, लाइक जैसे एक बबल होता है जिसमें मॉइस्चर भी होता है और जिसमें पानी भी होता है। हमारी स्किन को, आपको पता है कि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लाइक अगर हम लोग पानी का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो एक वो ग्लो हमारे फेस पे नज़र आता है, और अगर हम पानी कम पीते हैं तो उसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो भी डल रफ लगती है। और ये जो है ये हमारी स्किन को इंस्टेंटली एक प्लम्पी जूसी सा लुक देगी। आप बहुत ही जैसे कहते हैं कि कोरियन ग्लास स्किन एंड दिस एंड दैट, उसकी तरह आप फील करेंगे, बिल्कुल उसी की तरह आप फील करेंगे कि आपकी स्किन जो है बहुत ही ग्लो कर रही होगी और बहुत ही फ्रेश होगी। और अब जब अपने फेस पे, अपने गाल पे हाथ लगाएंगे ना, तो यू विल फील द डिफरेंस कि वो एक प्लम्पी सी उसमें ना, लाइक जूसी सी एक कंसिस्टेंसी आपको फील होगी। हाउ टू यूज़ इट, ओके, सो रिमूव ऑल द ट्रेसेस ऑफ मेकअप, क्लींजर फेस एंड पाते ड्राई। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेकअप अप्लाई किया हुआ है अपने फेस पे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप क्लींजर लेंगे, अपना मेकअप रिमूव करेंगे। अगर आपके पास क्लींजर नहीं है तो आप दूध का यूज़ कर सकते हैं, कच्चा दूध, जैसे कॉटन लें, या फिर हल्का हल्का अपने हाथों से ही फेस पे अप्लाई करें, लाइट लाइट सा उसको मसाज करें एंड उसको क्लीन कर लें। आपका फेस जो है बिल्कुल क्लीन क्लीन होना चाहिए, उस पर मेकअप नहीं होना चाहिए। एंड उसके बाद उसको ड्राई कर लें हल्का हल्का सा, और उसके बाद क्या करना है, इसको आपने ओपन करना है, शीट मास्क निकालना है, उसको हल्के हल्के से, मतलब उसको फाड़ नहीं देना, उसको बिल्कुल पेशेंस रखें, उसको ओपन करें, और इस तरह वो ओपन होगा। आपकी आईज़ और लिप्स के लिए एक स्पेस छोड़ी होगी क्योंकि वहाँ पे हमने नहीं अप्लाई करना। फिर आप उसको अपने फेस के ऊपर, मतलब फेस क्लीन हो गया, फेस के ऊपर उसको लगाएंगे लाइक दिस, आईज़ को, लिप्स को छोड़ के। वो अभी मैं आपको शो करती हूँ। फिर आप हल्का सा ना उसको मास्क के ऊपर भी हल्का हल्का टैप करेंगे और या मसाज करेंगे, या अगर रोलर है तो वो बहुत अच्छा और भी अच्छा है। अगर रोलर नहीं है तो मतलब कोई इतनी ज़रूरत नहीं है कि रोलर यूज़ नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो आप अपने हाथों को टैप करें तो वो भी अच्छा होगा। उसके बाद जब आपके 15 to 20 minutes हो जाएं, जब आपने ये उतारना है, और उससे पहले भी मास्क लगाया होगा, तो इस इस कवर के अंदर ये जो साशे होता है, इसके अंदर भी बहुत सी थोड़ी सी क्वांटिटी में ना उसका जूसी सा, उसका लाइक सीरम होता है, उस सीरम को आप निकाल लें, उसको चाहे निचोड़ लें, उसको निकाल लें और निकाल के वो भी मास्क के ऊपर लगाएं। जब ड्राई होना शुरू हो जाए तो उसको भी लगा के टैप 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 ऑन योर फेस, और उसके बाद जब आप मास्क हटा देंगे तब भी आपको लगेगा कि आपके फेस के ऊपर अभी भी वो जूसी सा कंसिस्टेंसी बाकी है। इस शीट मास्क को जब हमने निकालना है, सबसे पहले उसको ओपन करेंगे, फेस के ऊपर कोई मेकअप नहीं होना चाहिए, कोई क्रीम, कोई मॉइस्चराइज़र, लोशन, कुछ भी अप्लाई नहीं करना, बिल्कुल फेस क्लीन होना चाहिए। और जब हम मास्क अप्लाई करेंगे तो ट्राई करें कि आप थोड़ा सा ना पीछे होके, रिलैक्स होके बैठें या थोड़ी देर लेट जाएं। उससे ये होगा कि लेटने से हमारी स्किन पे और हमारे फेस पे ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा जो है ना वो इम्प्रेशन पड़ता है, एक तो ग्रेविटी का और दूसरा मास्क का। अब मास्क को जब अप्लाई करेंगे, इसको हल्का हल्का टैप करते रहें स्किन को, ऐसा 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 ऐसे, अगर ये आपकी स्किन में अब्जॉर्ब भी हो जाएगा तो और भी अच्छा है। लेट्स सी व्हाट्स इन देयर इज द मास्क,
मैं अभी इसको निकालती हूँ। ये इस तरह मास्क है तो इसको भी मैं ओपन करूँगा। ओके नाउ एज यू कैन सी दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इसकी ये फॉर लिप्स एंड दिस इज़ फॉर द आईज। अब इसकी इस तरह ओहो ये आप देखें इफ़ यू कैन नोटिस इसकी बहुत ही प्लम्पी सी इसकी मैंने देखें। ये इसका सीरम था जो मेरे हैंड्स पे आ गया है। इसकी बहुत ही यू नो लाइक प्लम्प सा जूसी सा ये देखें कंसिस्टेंसी है और बहुत ही अच्छी स्मेल है। इसकी फ्रेग्रेंस इज़ लाइक वाओ। इसको हमने अपने फेस पर अप्लाई करना है। मैंने अभी इसका थोड़ा शायद कचूंबर ही कर दिया। आई विल अप्लाई इट ऑन माई फेस फॉर 20 मिनट्स क्योंकि मुझे पसंद है कि मैं अपने फेस को अच्छे से हाइड्रेट करूँ, इसको फ्रेश फील कराऊँ, ब्राइटर फील कराऊँ क्योंकि ज़्यादा कुछ करना ना हो। लेकिन अगर मास्क अप्लाई कर लें वो भी शीट मास्क और उसमें इतना सीरम होता है इतना अच्छा जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसमें तो फिर है भी रोज़ एक्सट्रैक्ट सो ये और भी अच्छा है। लाइक इट्स ये मैं अगर इसको थोड़ा सा दबाऊँ तो ये देखें ये इसकी कंसिस्टेंसी है। इसका जो जूसी सीरम है ना दिस इज़ रियली गुड। अब इसको ये हमारी स्किन में जाएगा जब हम इसको फेस पे अप्लाई करेंगे तो इट विल नेचुरली गो इनटू द स्किन एंड ये उसको ब्राइटन करेगा, उसको रिलैक्स फील कराएगा और हमारी जो स्किन है वो ऑटोमेटिकली बहुत ही फ्रेश यू नो एक जागती हुई स्किन जागती हुई एक यू नो लाइक अवेकनिंग उसको इफ़ेक्ट देगा। फिर एक और चीज़ है कि इससे हमारे जो डार्क सर्कल्स हैं वो भी उन पर भी काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ेगा। हमारे जो और भी कई इश्यूज़ हैं जो इसके साथ सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको बस अप्लाई करें 20 मिनट्स के लिए 15 मिनट के लिए। आप इसको रोज़ भी अप्लाई कर सकते हैं जब आप चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं एंड इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो दिस इज़ रियली स्किन फ्रेंडली एंड लवेबल थिंग। यू शुड यूज़ इट, गिव इट अ ट्राई। If you like this video, please subscribe to my channel, please share it with your friends and family and please comment and let me know if you like it and if you want to know something about more about something and if you want me to do something more about other things. Okay, Allah Hafiz, stay safe.